अस्सलाम वालेकुम। चिकन की रेसिपीज तो बहुत खाई होगी आपने। एक बार हैदराबादी तवा चिकन फ्राई की रेसिपी बना के खा के देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और आपके फैमिली का फेवरेट भी बन जाएगा। है अगर आप मेरे चैनल कुक विद फेम पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ऑल सेलेक्ट कर लें। थोड़ा सा नमक भी डाल दें, मैरिनेशन के दौरान हमने थोड़ा डाला था। मज़ेदार तवा चिकन फ्राई बनाना शुरू करते हैं। तवा चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। यहाँ पर मैं 400 ग्राम ले रही हूँ, आप चाहें तो 500 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन के पीसेस छोटे कट कर लें, तभी तवे के ऊपर फ्राई करने से अच्छे से गलेंगे। अगर पीसेस बड़े होंगे तो सही से नहीं गलेंगे तवे के ऊपर। नेक्स्ट हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले इसमें डालिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून गाढ़ा दही, आधे नींबू का जूस, 1 टीस्पून नमक और आखिर में हम इसमें डालेंगे 2 या 3 चुटकी कुकिंग सोडा, जो डोसा में इडली में यूज करते हैं। ये ना हो तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इसे डालने से चिकन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। जिस तरह से गोश्त में कच्चे पपीते का पेस्ट डालते हैं गलाने के लिए, इसी तरह चिकन में कुकिंग सोडा डालने से बहुत अच्छे से गल जाता है चिकन। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, लिड बंद कर दें, इसे आधे घंटे के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए। बाहर भी रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। मैरिनेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम थोड़े इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लेते हैं, भून के इन्हें पीसना होगा। 8 लाल सूखी मिर्च डाल दें, आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसका अच्छा कलर आएगा, तीखापन कम होगा और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 8 डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। 3 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 जावित्री का पीस, ये ना हो तो स्किप कर दें, 2 छोटी इलायची, 5 लौंग, 1 छोटा सा दालचीनी का पीस, 1 टीस्पून जीरा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। मैंने 2 मिनट के लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लिया है, फ्लेम बंद कर दें हम और इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा बारीक पाउडर की तरह पीस लें। पिसा हुआ स्पाइस पाउडर तो अब तैयार है, मैरिनेशन और स्पाइस पाउडर तो रेडी है। नेक्स्ट तवे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। अब 2 या 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। हाई फ्लेम पे तेल को पहले गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालिए बारीक कटी हुई 1 छोटे साइज की प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करते रहिए। प्याज का कलर तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। चिकन डालने के बाद चिकन को हमें अब तवे के ऊपर बहुत अच्छे से भूनना होगा। चिकन को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। नेक्स्ट हम चिकन में एक बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। टमाटर को बारीक पीस लें मिक्सर के जार में। बड़ा टमाटर ना हो तो 2 छोटे टमाटर ले लें। फिर से फ्लेम को हाई पे रखें, इसे भी भून लें टमाटर की कच्ची बुझाने तक और ये थोड़ा सा ड्राई होने तक। अगर आप लोगों को ये तवा पसंद आया और आप इसका ब्रांड नेम जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं कमेंट में बता दूंगी। और ये तवा डोसा के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और अगर आपको डोसा की रेसिपी चाहिए तो जस्ट टाइप करें डोसा रेसिपी बाय कुक विद फेम, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार डोसे की रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें सिखा रही हूँ, ज़रूर देखिए वो वीडियो। ये तवा चिकन फ्राई की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। हैदराबाद में रोड साइड स्टॉल्स में इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं या फुलके के साथ भी खा सकते हैं, परोठे के साथ खाइए, बहुत बहुत यम्मी होता है। लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें। अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, जब हम स्पाइसेस डालेंगे तो और भी ज़्यादा खुशबू आ जाएगी और ये बहुत बहुत टेस्टी बन जाएगा।
ये तो अच्छे से भुन चुका है। नेक्स्ट हम इसमें स्पाइस पाउडर डाल देते हैं। ये स्पाइस पाउडर जो हमने पीस के रखा था कम्प्लीटली पूरा ना डालें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। जस्ट एक 3 से 4 टीस्पून डाल दें, बाकी जो है नेक्स्ट रेसिपी में काम आएगी। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो और ज़्यादा डाल दें, आपकी मर्ज़ी। जो स्पाइस पाउडर है दूसरे चिकन के रेसिपीज में भी काम आएगा, चिकन करी में, भुना गोश्त, भुना चिकन, सभी में काम आएगा। वो बहुत यम्मी होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आएगी वो स्पाइस पाउडर में। इसे ऐसे ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये पानी में चिकन अच्छे से गल जाए। इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं। इसे और थोड़ा ड्राई होने देते हैं। चिकन तो हमारा गल चुका है अच्छे से। थोड़ा सा नमक भी डाल दें, मैरिनेशन के दौरान हमने थोड़ा डाला था, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। ये तो रेडी है। आखिर में हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं, थोड़े से करी पत्ता यानी करी पत्ता, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च आखिर में डालने से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और थोड़ा सा लेमन जूस। मिक्स कर लें। अब तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और देखिए कमेंट में आप ही बताएंगे। बहुत बहुत मज़े की बनी है, आपके फैमिली में सभी को पसंद आई, आप ये ज़रूर बोलेंगे मुझे, और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। और इसका जो ये मसाला होता है बहुत मज़े का होता है, ये भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप जब आप इसे बना के खाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं हैदराबादी स्टाइल तवा चिकन फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें मज़ेदार रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, और मेरा ये मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।